ईसाई आदिवासी अगर कोई मानता है, धर्म मानता है, तो इन लोगों को थोड़ा सा राजनीति में गुलाम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ा वजह यही है। और बाकी जो ट्राइबल लोग होते हैं, ये लोग तो बहकाव में, भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन ईसाई लोग ऐसा नहीं होते हैं। इसीलिए इनको अगर हम उनकी अधिकार से अगर हम वंचित कराने की अगर हम मांग कराएंगे, वंचित कराने की अगर हम आंदोलन चलाएंगे, तो उनकी जितनी भी जो रणनीति डाइवर्ट हो जाएगी, तो सर डिसमिस हो जाएगा। इसी बात को लेकर के हमारे भारतवर्ष में इस तरह की राजनीति चलती रहती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जब ईसाई आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले जब अपने पूर्वज की परंपरा की रीति रिवाज को जब मानते हैं, जैसे सरूल, करम, त्यौहार, सोहराई आदि, जैसे उसकी पूर्वज की रीति रिवाज पारंपरिक धरोहर को बचाने के लिए जब उस वक्त जब नाच गान ढोल अपनी रंगारंग साड़ी वेशभूषा में जब निकलते हैं, तो कई सारे लोग लगता है कि हमारी रीति रिवाज है और इनको मानने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये उनकी पारंपरिक विधि विधान को ये लोग छोड़ चुके हैं, ऐसा कई सारे लोग मानते हैं। क्योंकि पिछले दिनों में भी मैंने आपके सत्य के ऑडियो रिकॉर्ड की मदद से आप सबने सुना है, और इन्होंने एक बातें कही है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि जब सरूल को आप चर्च में क्यों मनाते हैं, सरूल को चर्च मनाने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग पूर्वज की धर्म को आप लोग छोड़ चुके हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। या शायद आप सब ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन जो एक बार फिर से रिपीट दिखिएगा उस रिकॉर्ड को, आप समझ जाएंगे। उनका मानना ये था कि आदिवासी जब ईसाई धर्म मान रहे हैं, तो उनकी जो पूर्वज की जो परंपरा, पूर्वज की जो भी रीति रिवाज थी, वो अभी उनकी नहीं है। अब ना होने की वजह से आप उनको भूलना चाहिए, जितने भी जो भी उसकी जो भी कस्टम सिस्टम थी उन सब नहीं मानते, क्योंकि ये लोग तो विदेशी धर्म को मानते हैं, ऐसा उन सबको मानना है। लेकिन ऐसा ही हमें लगता है, ऐसा ही इस झारखंड ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर में जो भी ट्राइबल होते हैं, और जो भी उनको लगता है कि हमारी ही ये पद्धति पारंपरिक विधि विधान जो सदियों से चली आ रही है अब हमारी ही है सिर्फ, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, तो ये बात गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज की परंपरा जब इन लोग छोड़ चुके हैं, तो इनको मनाने की कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कई सारे लोग मानते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आज से कहीं पर भी किसी भी स्टेट में, किसी भी चार्ज में, किसी भी समुदाय, जो भी समुदाय को अगर आप देखिएगा, तो कुछ कुछ ऐसा कुछ कस्टम सिस्टम आपको जो आदिवासी ईसाई धर्म जो मानते हैं, ऐसा लोगों की समाज के अंदर में आपको देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसा चीज़ें हैं, और लेकिन जो ईसाई धर्म जो नहीं मानते हैं उन समुदाय लोग कहते हैं कि ये तो विदेशी कल्चर को अपनाते हैं, विदेशी तरीका से झारखंड में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, ऐसा कई सारे लोग मानते हैं। लेकिन जहाँ से ईसाई धर्म की जो उत्पत्ति हुआ है, जहाँ से जो ईसाई धर्म की जो प्रारंभ हुआ है, वहाँ की कस्टम सिस्टम को अगर आप देखिएगा, वहाँ की तौर तरीका, रहना खाना पीना को अगर आप देखिएगा, और हमारी इंडिया में जितने भी जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं, इन लोगों की रहना खाना पहने ओढ़ने को अगर आप बारीकी से अगर आप देखिएगा, तो आप समझ पाएंगे कि ये लोग विदेशी कल्चर को अपनाते हैं, या फिर इंग्लैंड की कल्चर को अपनाते हैं, या फिर इसराइल के, या फिर फिलिस्तीन की कल्चर को अपनाते हैं, आप समझ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी कंफ्यूज के कारण आज के टाइम पर तथाकथित राजनेता बन जाते हैं, या फिर तथाकथित समाज को भटकाने वाले लोग बन जाते हैं कि आदिवासी ईसाई लोग तो विदेशी कल्चर को मार रहे हैं, विदेशी तौर तरीका को मार रहे हैं, और इसे उनकी आर्जन को ख़त्म कर देनी चाहिए, ऐसे कई सारे लोग मानते हैं। जो भी इस तरह की तथाकथित अगर किसी को लगता है कि ईसाई आदिवासी विदेशी कस्टम सिस्टम को जी रहा है, तो एक चीज़ आपको गौर करने की आवश्यकता है। हमारे भारत में जितनी भी जो चल रही है, आपकी मोबाइल में जो चल रही है प्ले स्टोर, ये भी इसराइल ने बनाया है, आप सबको याद है। और जितने भी जो बैंकिंग सिस्टम जो आप करते हैं ना, ये भी इसराइल का ही देन है। अगर आप कहेंगे कि विदेशी चीज़ें, विदेशी कस्टम सिस्टम, जो भी सिस्टम हमें पसंद नहीं है इंडिया के अंदर में, ऐसा अगर कोई ट्रैवल कहता है, तो हमें लगता है ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं। क्योंकि आज के टाइम पर जिस तरह से हमारे भारत में जब विकसित भारत की जब परिकल्पना हो रही है, तो इससे क्या लगता है आपको, क्या ये सारी तौर तरीका अन्य देशों में क्या प्रचलित नहीं है? उदाहरण के तौर पर भी अगर आप देखिएगा, तो हमारे जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूट पाई गई है, ये भी विदेशी तौर तरीका से ही डेवलप किया गया है, और उसी चीज़ को हमारे इंडिया के अंदर में इंस्टॉल किया गया है। ये शायद आप सबको नहीं पता है, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और बाकी हमारे जो ट्राइबल लोग ये कहते हैं कि ये विदेशी तौर तरीका से रहते हैं, जो
ना जानने की वजह से ये सबसे बड़ी कारण है। इसीलिए ऐसा ही कई तरह की कन्फ्यूजन हमारे ट्राइबल लोगों के जहन में चलती रहती है, लेकिन ये कन्फ्यूजन तो दूर तब होगी जब आप पढ़ेंगे, जब आप लिखेंगे, जब अच्छे शिक्षा का संस्थान पर आप जाएंगे। क्योंकि उन लोगों को शायद नहीं पता है, जितनी भी जो हमारे भारतवर्ष में जब चल रही है शिक्षा संस्थान की भी नज़र से अगर आप देखिएगा तो शायद इनको यही लग रहा है कि ये विदेशी लोगों का विद्यालय है, इनको नहीं जाना चाहिए, ऐसे कई सारे ट्राइबल लोग मानते हैं। और ऐसा सोचने की वजह से उनके समाज में ना जाने कई तरह की दरार आ जाती है, कई तरह की कमजोर आ जाती है। लेकिन अब जब हम रांची में जब देखते हैं, रांची कहीं पर भी किसी भी विद्यालय में अगर आप देखिएगा तो ऐसा सोचने वाले अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं कि ईसाई का चर्च है, ईसाई का विद्यालय है, ये ईसाई संस्थान है, हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। ऐसा सोचने वाले ही रांची में ऐसा लोग नहीं है। लेकिन इस तरह की जो छोटी मोटी बातों को लेकर के जो अपने जीवन में जो कल्पना करते हैं, ऐसा लोग होने की वजह से ही अपने समाज को 10 कदम पीछे धकेल दिए जाते हैं। यकीन मानिए, लेकिन ये बात सच है। आज के टाइम पर भी अगर आप देखिएगा रांची में ऐसा कई जगह शिक्षा संस्थान है जिसमें ईसाई मिशनरियों द्वारा इंस्टॉल किया गया है, और जितनी भी जो हक अधिकार की जो बात करते हैं या फिर हक अधिकार कहे जाने वाले जो नियम बनाने की जो भी तौर तरीका नियम बनाने वाले बहुत सारे ऐसे मिशनरी हैं, बहुत सारे ऐसे ईसाई हैं। ये बात शायद उन सबको नहीं पछती होगी, या फिर पछती भी होगी तो उनको कहने में थोड़ा सा शर्मिंदा लग रहा है, क्योंकि ये लोग तो भी इसी धर्म के मानते हैं। ऐसा उनके मन में एक भ्रांति चीज़ें फैलाई गई है। लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखिएगा हमारे भारत के अंदर में भी लड़ाई के हिसाब से भी अगर आप देखिएगा, राजनीतिक, नैतिक, आर्थिक स्थिति से भी अगर आप देखिएगा, तो सबसे बड़ा अध्ययन ईसाइयों का ही है। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी किसी भी संविधान के अंदर में किसी चीज़ को भी अगर आप देखने की आप प्रयास कीजिएगा तो सबसे बड़ा हाथ यही ईसाई लोगों की ही हाथ है। और आज की तारीख में ये बताया जा रहा है कि विदेशी कस्टम सिस्टम को मानते हैं हमारे भारत के आदिवासी, इनका तो आरक्षण ख़त्म करना चाहिए। कल की तारीख में हमारे इस रांची में भी ऐसे रैलियाँ आएगी, हम इन लोगों से पूछने की प्रयास करेंगे, जानने की प्रयास करेंगे अगर इस तरह की बातें आप क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये कहने का सबसे बड़ा स्पष्ट यही दिखता है कि ईसाई आदिवासी अगर कोई मानता है, धर्म मानता है, तो इन लोगों को थोड़ा सा राजनीति में गुलाम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ा वजह यही है। और बाकी जो ट्राइबल लोग होते हैं ये लोग तो बहकाव में, भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन ईसाई लोग ऐसा नहीं होते हैं। इसीलिए इनको अगर हम उनकी अधिकार से अगर हम वंचित कराने की अगर हम मांग कराएंगे, वंचित कराने की अगर हम आंदोलन चलाएंगे, तो उनकी जितनी भी जो रणनीति डाइवर्ट हो जाएगी, तो सर डिसमिस हो जाएगा। इसी बात को लेकर के हमारे भारतवर्ष में इस तरह की राजनीति चलती रहती है। और अगर हम आप देखिएगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा करते कुरान और डीलिस्टिंग होने की जो बात कही थी, लेकिन आज की तारीख में भी ये आज तक इनको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों में भी आप सब सुनते रहते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव अपने संसद में ये कहा था कि जितने भी जो पुराने कस्टम सिस्टम को छोड़ रहे हैं इनको आदिवासी की सूची से हटा देनी चाहिए, ऐसे कई सारे राजनीतिक तथाकथित एजेंट कहते हैं। लेकिन ये संभव नहीं हो सकती है। जो भी इस तरह की मांग कर रहे हैं उनको बारीकी से रिसर्च करने की आवश्यकता है, उनको जानने परखने की आवश्यकता है कि आज के टाइम पर धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है हमारे भारतवर्ष में। तो इसीलिए हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगे, अगर आपको हमारी कहने से अगर आप सहमत हैं तो ये वीडियो को शेयर कीजिए। यदि हमारी कही गई बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, ऊपर में ब्लू कलर का जो बटन आ रहा है फॉलो उसमें क्लिक कर दीजिए। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी देते रहते हैं। धन्यवाद।